बिल्डिंग बनाने से सिर्फ हमारी पूर्ति हो जाती है, हमारा विकास हो जाएगा। नगर पालिका के जो चुनाव है ये स्थानीय है, इससे सरकार बननी है और न इनसे सरकार गिरनी है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर शामली से जनता ने साझा की अपनी समस्याएं। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। शामली जनपद में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के 10 निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की थी। स्थानीय मुद्दे होंगे या मुख्यमंत्री की अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा, शामली की जनता के मन में क्या है, जनता जनार्दन से खास बातचीत में आइए देखें हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सहारा प्रणाम। शामली से मैं कंवरपाल सिंह, सहारा समय के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। शामली जनपद में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के 10 निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ सभा की थी। स्थानीय मुद्दे होंगे या मुख्यमंत्री की अपील का कितना प्रभाव जनता पर होगा, शामली की जनता के मन में क्या है, जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है। आइए आज उन्हीं से जानते हैं कि वे यहाँ विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या मुख्यमंत्री की अपील का उन पर क्या असर होगा। जी श्रीपाल जी, तो आप क्या समझते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, अक्सर कोई भी मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में अब से पहले नहीं आया, तो क्या लगता है कि भाजपा इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में लड़ रही है? सम्मानित उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं नमन करता हूँ। वास्तव में नगर पालिका के जो चुनाव हैं ये स्थानीय है, ये कोई न इनसे सरकार बननी है और न इनसे सरकार गिरनी है। इसमें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए तो उनका मैं सौभाग्य मानता हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि वे शामली की इस धरा पर आए हैं। और एक छोटे से चुनाव में क्या वे इतने घबरा गए हैं कि भाई एक गठबंधन का प्रत्याशी को के मुकाबले मुख्यमंत्री को आना पड़ा। खैर कोई भी हो, मैं मुख्यमंत्री जी का फिर भी नमन करता हूँ। और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ये हम चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, नगर पालिका के ज़्यादा मुद्दे नहीं होते। नगर पालिका के मुद्दे हैं साफ सफाई, स्वच्छ सुंदर शहर हो, पानी हो, बिजली हो, यही नगर पालिका के विशेष मुद्दे हैं। और हम इन्हीं को लेकर, सर्व समाज को लेकर, कोई भी समाज, हमारे पास 36 बिरादरी हमारे पास है और हम उन्हीं को साथ लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, यहाँ साफ इशारा करके गए हैं कि यदि यहाँ पर विधानसभा में उनके सदस्यों की जीत होती तो और ज़्यादा विकास होता, अभी तक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। तो मुख्यमंत्री जी की इस तरह की जो ये अपील में करके गए, तो कहीं ना कहीं में एक तरह से जो उनके विरोधी हैं विकास के मुद्दे पर उन्हें भी साधना चाह रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, वो साधना चाह रहे हैं, ठीक है, साधना चाहिए। हर एक आदमी का लोकतंत्र में अपना मत मांगने के लिए स्वतंत्र है, हर एक को प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर यहाँ सिख विधायक जो है हमारी पार्टी का होता तो शामली में मेडिकल कॉलेज बन चुका होता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ सिख मेडिकल अस्पताल खुले हुए करीब 3 साल हो गए, आज तक वहाँ सिख स्टाफ नहीं है, तो बिल्डिंग बनाने से सिर्फ हमारी पूर्ति हो जाती है, हमारा विकास हो जाएगा? जी जी, जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि निकाय चुनाव में भाजपा रालोदा गठबंधन प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर होगी। भाजपा ने यहां से अरविंद संगल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रालोदा सपा गठबंधन ने विजय कौशिक को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए जानते हैं शामली की जनता से यहां का राजनीतिक माहौल। यदि यहां से भाजपा का कैंडिडेट जीतता है तो क्या आपको उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य के लिए प्रदेश सरकार से निधि ले सकता है, पैसा ले सकता है, विकास ज्यादा कर सकता है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक भाजपा का प्रत्याशी और एक भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने पूर्व में भी ये करके दिखाया है, वो पहले भी भाजपा से ही लड़े थे और उन्होंने करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है कि शहर में बहुत ही अच्छे से विकास कराया था। अब बात आती है भाजपा की, पहले भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकार थी सपा की, उस समय में भी कार्य कराया गया। और आज जब भाजपा की सरकार है, जब जहाँ सुशासन है, जहाँ लोगों के लोग डरते हैं, गुंडागर्दी डरती है, वहाँ जब हर आदमी शांति से प्यार से जी रहा है, तो अपने आप जो विकास होगा वो लोगों को लाभान्वित करेगा और वो और अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं स्थानीय मुद्दे यहाँ पर कितने कारगर होंगे, और आप क्या मानते हैं कि जो है यहाँ पर जो है भाजपा बेहतर विकास कर सकती है या यहाँ का कोई दूसरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ पर किसी तर्ह का कोई ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है? मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद करता हूँ सारा समय का,
जिसने अपनी एक आम आदमी को अपनी बात कहने का जो है मंच दिया है, और वही यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात। वास्तव में शामली नगर पालिका में बहुत ही स्थानीय मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग के मुद्दे हैं, जैसे जल भराव के मुद्दे हैं, जैसे साफ सफाई के मुद्दे हैं। हमने देखा है अभी जो पिछले समय जो है ये यहाँ की नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद जो सफाई कर्मी थे उन्होंने हर प्रत्येक घर से 30-30 रुपए लेना शुरू कर दिया। क्या इसी तरह से जो है आम आदमी पे मार पड़ेगी? उस पर टैक्स की मार पड़ रही है। एक छोटे व्यापारी पर जाम की स्थिति में जो है उसका व्यापार चलना भारी हो जाता है। क्या ये स्थानीय मुद्दा नहीं है? आप चूंकि बसपा प्रत्याशी के आप प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ शिरकत कर रहे हैं, तो चूंकि ये कहा जाता है कि मायावती जी ये ज़्यादातर इन चुनावों को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में नहीं ले रही है, तो क्या ये माना जाए कि आपका कैंडिडेट केवल जो है हार जीत के समीकरण बदलने के लिए यहाँ पर ऐसा है? गंभीरता का यूँ पैमाना नहीं है कि वो दर दर पर्चे बांटते फिरेंगे अमित शाह जी की तरह। वो वहीं बट्टी फोकस कर रही है और सब जगह बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। रही यहाँ की स्थानीय बात, विपक्ष में ऐसा कैंडिडेट कम से कम हो। पिछली दफ़े जो हमारे चेयरमैन थे निहायत ईमानदार आदमी थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें क्या करने दिया? कम से कम प्रत्याशी ऐसा हो जो इनका जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल।